हाय एवरीवन, दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो इन डिटेल्स में अगर देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से आज मार्केट में हुआ क्या। देखो, फर्स्ट थिंग, मार्केट में गैप अप आज भी खुला और ऑलमोस्ट रिजल्ट में सेम कि नहीं, खुलते ही साथ मार्केट नीचे की तरफ आया। इसका मतलब मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जरूर है। हम लोग प्लान कर रहे थे मार्केट अगर फ्लैट खुला, कल भी हम लोग प्लान किया था मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, एक अच्छा हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल करने के लिए, क्योंकि ये मॉर्निंग आवर के अंदर सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन इशू क्या हुआ, गैप अप खुल गया, इसके कारण जो मॉर्निंग मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां से नीचे तक आए, ये खुल के फिर नीचे तक आया। और जहां से हम लोग बार बार प्लान करते हैं कि नहीं गैप एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप क्रिएट किया, उसके बाद ये ट्रिपिकल हम लोग का जो हम लोग का ऑप्शन सेलिंग का टाइम रहता है कि नहीं, हाँ मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हुआ, साइडवेज में रह गया, तो ये हम लोग को ऑप्शन सेलिंग का डे मिला कि नहीं, सेकंड हाफ के अंदर कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, मॉर्निंग आवर के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग देखने के लिए मिला। और ये जनरली मैंने इसीलिए प्लान किया था कि गैप अप अगर खुला तो ऑप्शन सेलर आ जाएंगे, लेकिन इसके नीचे अगर गया तो फिर एक सेलिंग हैपनिंग होगा, हम लोगों ने ये प्लान किया था। अभी हम लोग का कल का क्या प्लान होना चाहिए, चलिए थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं तो कुछ पॉइंट आपको पता चलेगा। फर्स्ट थिंग, आपको नहीं लगता मार्केट यहां पे एक हम लोगों के लिए एक इनसाइड कैंडल बना के अभी रखा हुआ है कि नहीं, हां यहां पे एक इनसाइड कैंडल बना है। अभी देखो मार्केट समय अराउंड 41,600 41,200 से एक मोमेंटम हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि नहीं यहां से अगर ये पुल बैक गया कहीं से और उसके बाद अगर रिवर्स आता है तब आपको समझ में आएगा। अभी आप मुझे पूछोगे कि नहीं सर क्या ये पुल बैक है, रिवर्सल है, या फिर यहां से मार्केट टर्न अराउंड हो जाए, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ प्राइस बिहेवियर कैसे होता है। अगर मतलब बायर्स को प्राइस बहुत अच्छा पसंद है तो ये लेवल आपको बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे बायर्स को ये लेवल बहुत पसंद था, इमीडिएटली दो दिन के अंदर ये चला गया। यहाँ पे बायर पसंद है तो इमीडिएटली चला जाता है। जहाँ पे बायर को पसंद नहीं आता लेवल, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करता है, फिर जाता है। तो इसका मतलब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द पुल बैक देखेंगे कि नहीं, कल अगर मार्केट पुल बैक करता है तो कहाँ तक पुल बैक करता है, क्या ये 800 एंड ऑल पुल बैक करके नीचे क्लोज दे रहा है या स्ट्रांगली क्लोज दे रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि नहीं ये एरिया में बायर, क्योंकि ये एरिया के अंदर बहुत टाइम तक ये ट्रेड कर चुका है। नो डाउट कंटिन्यूअसली सेलिंग, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, सेलिंग हैपनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं खुलते ही साथ। लेकिन आज थोड़ा सा डेफिनेटली तीन दिन से अगर मार्केट सेल हो रहा है और एक ही लेवल पे पड़ा रह रहा है तो डेफिनेटली आज एक्सपायरी भी था, बहुत सारे लोग पोजिशन स्क्वायर ऑफ किए होंगे। कल का इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि कल डिसाइड करेगा क्या ये कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट में एक ग्रीन कलर कैंडल तो बनाया, रिवर्सल तो हुआ, लेकिन ये गया 50,400 ये लेवल पे पड़ा रहा, तो यहां से सेलर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे लाने के लिए। तो कल इंटेंसिटी ऑफ द रिवर्सल देखना है कितना हो रहा है, तब हमको समझ में आ जाएगा क्या यहां पे एक बॉटम शॉर्ट टर्म में बना चुका है नहीं। अगर बना चुका होगा तो फिर इसके नीचे पुट शॉर्ट करके या फिर इसके ऊपर कुछ कॉल शॉर्ट करके एक अच्छा पैसा बन सकता है, फिर एक गैप के लिए हम लोग कुछ ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हैं। इन द सेंस मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, एक या दो दिन ये वेट करेगा, अगर वेट कर रहा है इट्स फॉर बाइंग सिनेरियो। जब यहां से ये ब्रेक कर रहा होगा उस टाइम पे जो भी एक्सपायरी चल रहा होगा हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक टारगेट पेंडिंग है। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं ऑप्शन बाइंग के लिए यू हैव टू वेट फॉर योर डे, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बस रेंज डिफाइन करना है कि नहीं प्राइस बिहेवियर के हिसाब से हम मार्केट यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन बाइंग अगर आपको हर दिन करना है तो हो सकता है कि नहीं आपका एक दिन पैसा मिल जाए लेकिन हाथ जल जाता है, फिर आपका ओवर ट्रेडिंग के कारण फिर वो पैसा खत्म हो जाते हैं। अभी करंट लेवल पे तीन आपको यहां पे दिख रहा होगा कि नहीं यहां पे कंटिन्यूअसली इस जोन के आसपास सेलिंग हैपनिंग हो रही है। तो कल फर्स्ट थिंग में क्या एक्सपेक्ट करूंगा, लेट्स से गैप अप खुला या फिर गैप डाउन खुला, अगर गैप अप खुला आई एम गोइंग टू वेट फॉर ए 5 मिनट या 10 मिनट का एक रिट्रेसमेंट वेट करूंगा कि नहीं एक रिट्रेसमेंट आया, ट्रेंड लाइन पे हिट किया या फिर यहां पे आया, उसके बाद जब जा रहा होगा यहां पे मैं बाइंग का प्लान करूंगा। एंड ये जो बाइंग होगा इसके बाद मैं वेट करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इंटेंसिटी मुझे दिखना है। अगर ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं ट्रेल करूंगा, अगर मार्केट ऊपर गया और नीचे आ रहा है तो फिर मेरा ट्रेलिंग हिट हो जाएगा, मुझे समझ में आएगा इसके अंदर इंटेंसिटी नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम बायर ये लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो आने वाले टाइम में सेल ऑन राइज का मार्केट बनने वाला है। ये सेल बना मतलब ये राइज हुआ ऊपर की तरफ, सेल हुआ तो सेल ऑन राइज का मार्केट बनने वाला है, तो फिर मैं टारगेट नीचे की तरफ बड़ा रखने वाला हूं, ये मेरा प्लानिंग रहेगा। अगर मार्केट इमेजिन करो कल गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद हमको 50,000 के नीचे फिर से मिलता है, क्योंकि बायर के लिए डिफेंडिंग प्लेस कहां पे रहेगा, 50,000 ना ब्रेक हो, इसके नीचे अगर 5-10 मिनट ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड ऑल सेम रहेगा और मैं नए लो के लिए प्लान करूंगा, लेट्स से 49,500 600 ये सारे के लिए मैं प्लान करूंगा। एंड टारगेट विल बी बिग, क्योंकि हो सकता है कि नहीं हमको दो दिन और सेलिंग मिल जाए, तो इसके लिए मैं टारगेट बड़ा रखूंगा। तो पहला पॉइंट है 50,000 के नीचे मैं नेगेटिव रहूंगा, इसके ऊपर अगर खुलता है लेट्स से फ्लैट खुला ब्रेकआउट दिया
पहला पुल बैक में मैं बाइंग के लिए ही प्लान करूंगा, क्योंकि फ्लैट खुला है, मार्केट रेस्पेक्ट दिया है कल का क्लोजिंग का, और या गैप अप खुला है, रेस्पेक्ट दिया है, तो मैं पहला इंटेंशन बाइंग रहेगा अंटिल एंड अनलेस ये 50,000 क्रॉस नहीं होता। और जो बाइंग रहेगा वो ट्रेलिंग के साथ रहेगा। अगर ये सेलिंग के लिए मिला, ट्रेलिंग नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा एक बड़ा टारगेट मुझे मिले, बड़ा टारगेट इन द सेंस 500,000 पॉइंट, इस तरीके से मैं प्लान करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये खुलते ही साथ सेलिंग आ रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण गैप अप खुला और इंटरनल इशू के कारण हो सकता है कि नहीं मार्केट को अगर सेलिंग आना है, एक बार अगर ग्लोबल मार्केट फ्लैट खुला एंड ऑल, तब पता चल जाएगा कि नहीं हाँ ये फ्लैट जा रहे कि नहीं। इसलिए मैंने बोला रिवर्सल अगर हो रहा है कौन से इंटेंसिटी से हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर ये सेल ऑन राइज मार्केट बन जाएगा, हम लोग आने वाले टाइम में इसको फिर प्लान करते रहेंगे। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी एक इंटरेस्टिंग जगह पर रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये 3 से 4 टाइम इसी जोन के आसपास 3 से 4 टाइम हिट कर चुका है, करेक्ट? तो एक ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, इवन पुट के तरफ भी, क्योंकि मार्केट आज रेंज बन चुका है, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया है। अगर इमेजिन करो ये हायर रेंज पे खुला, यहाँ पे खुला, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे जितने लोग आज खरीद के रखे होंगे उन लोग बेचेंगे, बेचेंगे इन द सेंस मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 1 मिनट में आए, 5 मिनट में आए, 15 मिनट में आए, डजेंट मैटर, लेकिन ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे होंगे उन लोग खुलते ही साथ थोड़ा सा लगेगा कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नीचे है इसका, जब ये यू टर्न बना रहा होगा एक क्वांटिटी में यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, और फिर जब ये क्रॉस करेगा एक क्वांटिटी यहाँ पे, टारगेट कहाँ तक, राउंड लेवल देखेंगे 24,500 के आसपास, यहाँ पे राउंड लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं जनरली इस तरीके से प्लान करता हूँ कि ट्रेल कर लेंगे या फिर 50-100 पॉइंट मिले तो भी बहुत है, मेरा प्लानिंग यही रहेगा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया, आई गोइंग टू वेट, लेट्स से 24,240-250 में खुला, आई गोइंग टू वेट कहाँ, किसके लिए, इधर ये 320 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर 200 के नीचे क्लोजिंग दे दे 15 मिनट चार्ट में, तब तक मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला, वेट करूंगा। अगर गैप डाउन खुलता है, कोई भी चांस पे अगर गैप डाउन खुलता है, तो यहां पे गैप पेंडिंग है, आपको पता होगा आज बैंक निफ्टी ने ये गैप फिल करके आया, उसके बाद रिवर्सल हुआ, निफ्टी अपने आप को होल्ड किया, इसका मतलब बायर यहां पे वेट कर रहे हैं, और बायर का पॉइंट कहां पे है, समय 19 जोन को बायर डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर इसके नीचे अगर 10-15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, मेरा टारगेट समय 24,040-50 जोन के आसपास हो जाएगा, जो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं जनरली अगर प्लान करूंगा तो सिंपल जिस साइड भी ब्रेकआउट दिया उसके नीचे मैं ट्रेल करूंगा, क्योंकि अभी भी विक 16 है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम ठीक होगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले 12-13 रुपए था, प्रीमियम ठीक होगा, तो यहां पे मैं प्लान कर सकता हूं। अगर मार्केट गैप अप खुला, वेट फॉर द ट्रेड्स के नहीं, हाँ नीचे की तरफ आया, जब रिवर्सल हो रहा होगा इसके नीचे कहीं पे पी शॉर्ट करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर से कहीं से रिवर्सल दे रहा होगा उसके बाद ही कुछ कॉल, क्योंकि मैं एट ए टाइम कॉल पुट शॉर्ट नहीं करता, कभी कभी करते हैं, डिपेंड ऑन सेटअप स्ट्रैटेजी एंड ऑल। तो ये मेरा सिंपल प्लान होने वाला है निफ्टी के अंदर, वेट फॉर द ब्रेकआउट, अगर गैप अप खुला पुल बैक देन बाइंग, और अगर यहां से फ्लैट खुलते हैं कोई भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चला लाइक से फिर इतना ही, थैंक यू।